वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज की पाठशाला में हम बात करेंगे कनेक्टिव लिंक और इंटरग्रेडिंग स्पेसीज, ठीक, और रेफरेंस रहेगा एवोल्यूशन का, ठीक है। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को एक मोटिवेशन मैसेज देते हैं, और आज का मोटिवेशन मैसेज बेटा कुछ इस तरीके से है। मेरे प्यारे बच्चों, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, ठीक, कर्म ही पूजा है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा, ठीक, हमेशा प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जीवन में कुछ नया हासिल करते रहिए। बेटा, अगर आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का जो टॉपिक है डेट इज अ कनेक्टिव लिंक। क्या है? कनेक्टिव लिंक, ठीक, हमें कनेक्टिव लिंक के बारे में पढ़ना है, ठीक। इट इज आल्सो नोन एज संयोजक कड़ी। हम बेटा हमेशा बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। हम साइंस में कहते हैं कि साइंस इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। विज्ञान किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। अगर यहाँ पे कोई भी चीज है, कोई भी वर्ड है, डिफिनेशन है, टर्म है, दे हैव अ पर्टिकुलर बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑन ए बेसिक फंडामेंटल, और विदाउट एनी टाइप ऑफ ए बेसिक टर्मिनोलॉजी और लिटरली मीन और ए फंडामेंटल फैक्ट, वी कैन नॉट प्रेज्यूम दिस सब्जेक्ट, ठीक। बिना किसी तर्क के, बिना किसी शाब्दिक अर्थ के हम इस सब्जेक्ट की कल्पना नहीं कर सकते हैं। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, कनेक्टिव लिंक ये खुद बता रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक। तो आज हम इसको थोड़ा सा एक मेथड मैंने बनाया है, इसी डिफिनेशन से निकालने का प्रयास किया है, और इसे आई होप कि आप समझेंगे और आपको लैंग्वेज में आसानी रहेगी, ठीक, डिफिनेशन बनाने में। तो देखिए कैसे इसको करते हैं। ये मान लीजिए कि ये कनेक्टिव लिंक है, ठीक है, दिस इज कनेक्टिव लिंक। इसको, इससे आपको याद हो जाएगा आसानी से, ठीक। बेटा इस कनेक्टिव लिंक को क्या बोलते हैं? इसको और बोलते, क्या बोलते हैं? इंटर ग्रेडिंग स्पेसीज। इसको इंटर ग्रेडिंग स्पेसीज भी बोलते हैं, ठीक। इससे, ठीक, और इसे क्या बोलते हैं? संयोजक कड़ी भी बोलते हैं। हिंदी भी सभी को पता होनी चाहिए बच्चों के लिए, संयोजक कड़ी भी बोलते हैं, ठीक। इतनी बात तो कंफर्म हो गई, ठीक बेटा। अब इंटरब्रीडिंग स्पीसीज और ए कनेक्टिव लिंक और ए संयोजक कड़ी क्या होती है? अगर इसे हम बेसिक टर्मिनोलॉजी समझें, यानी कि कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा एनिमल जिसमें दो, ठीक, जिसमें दो जीवों के लक्षण हो, दो फाइलम के लक्षण हो, या दो किसी ऐसी चीज के लक्षण हो, उसे क्या बोलना है? कनेक्टिव लिंक बोलना है। देखिए, जैसे कि मान लें मैंने लिखा 1 2 3, हम ये कह रहे हैं ये कनेक्टिव लिंक है, 3 की भी है और 1 के भी है, तो यानी कि इसमें ये इसकी साइड भी है और इसकी साइड भी है, कुछ इस तरीके से ये होता है। तो देखिए कैसे कनेक्टिव लिंक और इंटरब्रीडिंग स्पीसीज जो होता है, इसमें कुछ लक्षण, ठीक। अब यहाँ पे कोई फाइलम तो है नहीं, कुछ लक्षण एक फाइलम के होते हैं, कुछ लक्षण एक फाइलम के होते हैं, और कुछ लक्षण दूसरे फाइलम के होते हैं, और इस प्रकार से बनी स्पेसीज को क्या बोलते हैं? कनेक्टिव लिंक या इंटरब्रीडिंग स्पेसीज या संयोजक कड़ी बोलते हैं। तो आप ये बात याद रखना कि ऐसा एनिमल जिसमें कुछ लक्षण एक फाइलम के और कुछ लक्षण दूसरे फाइलम के होते हैं, ऐसे एनिमल को या ऐसे कड़ी को, संयोजक कड़ी को इंटरब्रीडिंग स्पेसीज कहते हैं, ठीक। अब फाइलम 1 फाइलम 2 का मतलब ये समझेंगे अब जैसे जैसे इंटरब्रीडिंग स्पेसीज होगी। देखिए सम एग्जाम्पल ऑफ, अगर हम इस तरीके से बात करें, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए, देयर इज सम एग्जाम्पल ऑफ इंटरग्रेडिंग स्पेसीज, और वी कैन से डेट कनेक्टिव लिंक, ठीक, लिंक। आप इसे बताएंगे, आप क्या बताएंगे?
कि संयोजक कड़ी किसे कहते हैं? ऐसे लक्षण, ठीक, या ऐसी स्पीसीज जिसमें कुछ लक्षण निम्न कोटि संघ के और कुछ लक्षण उच्च कोटि के संघ के होते हैं, ऐसी स्पीसीज को संयोजक कड़ी या इंटरब्रीडिंग स्पीसीज कहते हैं। तो जो कैरेक्टर होंगे इंटरब्रीडिंग में, ठीक, कुछ कैरेक्टर होंगे, कुछ तो क्या होंगे, लोअर कैरेक्टर होंगे लोअर फाइलम के, ठीक, कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे जो हायर कैरेक्टर होंगे, कैसे, हायर फाइलम के, और इसके में बीच की जो कड़ी होगी बेटा, इसके बीच की कड़ी होगी, दैट इज द इंटरग्रेडिंग स्पीसीज। आई होप कि आपको ये बात अब समझ में आई, ठीक। जब हमने इतनी बात बेटा समझ ली, ठीक, जब हमने इतना समझ लिया, अब हम आगे की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला अगर एग्जांपल ले तो हम क्या लेते हैं, प्रोटोस्पोंजिया। देखिए प्रोटोस्पोंजिया, देखिए ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है, अगर हम बेसिक टर्मिनोलॉजी से उसको समझने का प्रयास करें। प्रोटो का मतलब क्या है, प्रोटो जो है स्पोंजिया आते हैं स्पॉन्ज, और स्पॉन्ज रिलेटेड होता है किससे, पोरीफेरा से। तो इसमें या ऐसे लिखेंगे, यह प्रोटोजोआ तथा पोरीफेरा फाइलम के मध्य की क्या होती है, कनेक्टिव लिंक, CL कनेक्टिव लिंक, या इंटरब्रीडिंग स्पेसीज IBS होती है, IBS होती है। अब इस चार से आप बता दो, अर्थात इसमें कुछ लक्षण प्रोटोजोआ के तथा कुछ लक्षण क्या कहते हैं, पोरीफेरा के पाए जाते हैं। इसमें कुछ लक्षण क्या होंगे, प्रोटोजोआ के, और कुछ लक्षण पोरीफेरा के पाए जाएंगे। देखिए कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, अगर हम करेक्टर की बात कहें जाए तो इसमें क्या होते हैं, प्रोटोजोआ के भी लक्षण होंगे और पोरीफेरा के भी होंगे। देखिए प्रोटोजोआ में क्या होता है कि ये एक कोशिकीय होते हैं, ठीक, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक। और पोरीफेरा की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ कॉलर सेल्स या कोशिकाएं पाई जाती हैं, अर्थात इसमें दोनों ही संघ के लक्षण पाए जाते हैं। और ये क्या होती है, दिस इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा, ठीक। तो ये बताता है कि प्रोटोजोआ से पोरीफेरा का उद्विकास हुआ, विकास प्रमाण को प्रदर्शित करता है। अगर हम आगे की बात करें तो दूसरा समझ लेंगे। एंड द सेकेंड मोस्ट प्रोमिनेंट कनेक्टिव लिंक इज युगलीना, दिस इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल। युगलीना क्या बोलते हैं, ये जो होती है कनेक्टिव लिंक होती है, सी एन का मतलब क्या होता है सी एल का मतलब क्या होता है, कनेक्टिव लिंक होती है। और ये कनेक्टिव लिंक किसके बीच की होती है, ये होती है प्लांट और एनिमल के बीच में होती है, प्लांट और एनिमल के बीच की संयोजक कड़ी क्या कहलाती है, युगलीना कहलाती है। अर्थात इसमें कुछ लक्षण, अर्थात अगर कैरेक्टर की बात करें ऐसे लिखेंगे इसमें, ठीक है, इसमें कुछ लक्षण कैसे होते हैं, प्लांट के होते हैं, और कुछ लक्षण कैसे होते हैं, एनिमल के होते हैं, ठीक। और इस प्रकार से ये कनेक्टिव लिंक क्या कहलाती है, युगलीना कहलाती। अब कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, देखिए प्लांट में इसमें युगलीना के जो कैरेक्टर होते हैं कि इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा तो क्लोरोफिल भी होगा, ठीक, क्लोरोफिल भी होगा, जिससे क्या होता है कि इनका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं लाइट की प्रेजेंस में, और कार्बोहाइड्रेट आदि ग्लूकोज ये सब बनाते हैं और न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, ठीक। अगर हम एनिमल की बात करें डार्क की प्रेजेंस में, अंधकार की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन या दूसरे प्रकार के न्यूट्रिशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों ही
दोनों ही फाइलम, दोनों ही मतलब प्लांट और एनिमल के करेक्टर इसमें पाए जाते हैं। जब फोटोसिंथेसिस का क्लोरोफिल की अगर ये प्रकाश की प्रेजेंस में है तो ये क्या करेंगे, क्लोरोप्लास्ट की सहायता से फोटोसिंथेसिस में अपना फूड मेंटेन करेंगे, और अगर ये डार्क में है तो ये क्या करते हैं, दूसरे प्रकार से अपना भोजन डेड एंड डीके मटेरियल से लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों ही कैरेक्टर को ये शो करते हैं और विकास के प्रमाण को प्रमाणित करते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो एक होता है नियोपिलाइना जो होता है, ठीक, ये जो होता है यह कनेक्टिव लिंक होती है किसके किसके बीच, ये कनेक्टिव लिंक होती है संगमोलस्का और एनिलिडा के बीच। तो संगमोलस्का और एनिलिडा के बीच की संयोजक कड़ी नियोपिलाइना कहलाती है। अर्थात इसमें कुछ कैरेक्टर मोलस्का के भी होते हैं और कुछ कैरेक्टर क्या होते हैं, एनिलिडा के भी होते हैं। अगर हम इसमें कैरेक्टर की बात करें तो देखिए, ये जो नियोपिलाइना था, अगर हम हिस्ट्री बात करें तो 50,000 करोड़ वर्ष पहले प्रशांत महासागर के तल पर, ठीक, या तट पर ये फॉसिल्स पाया गया था, जीवाश्म पाया गया था। तो इसमें जो कुछ लक्षण पाए गए थे, मोलस्का के पाए गए थे एंड सो फॉर एनिलिडा के भी लक्षण पाए गए थे, इसलिए दिस इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन द मोलस्का एंड एनिलिडा। ठीक, कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो देखिए, मोलस्का के समान इसमें क्या था, मोलस्का के समान तो इसमें देखो इनका सेल मोलस्का के समान था, कवच मोलस्का समान था, मेंटल हो गया, ठीक, फूट हो गया, फूट इनका कैसा था, मांसल था, फ्लैशी था, कुछ ये कैरेक्टर क्या थे, मोलस्का के समान थे। ठीक, उसके बाद अगर हम दूसरी एनिलिडा की बात करें तो एनिलिडा में क्या था कि इनकी जो बॉडी थी कहीं ना कहीं समखंडीय या सेगमेंटेड थी। सेगमेंटेड के साथ साथ इसमें क्या था कि इनमें जो इनकी डेवलपमेंट फेज थी उसमें क्या था, लार्वल अवस्था कैसी थी, ट्रोकोफोर लार्वा इनकी परिवर्धन की अवस्था थी। इसलिए नियोपिलाइना इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन द मोलस्का एंड द एनिलिडा, दे हैव अ बोथ ऑफ कैरेक्टर इन वन लिंग। ठीक, तो दोनों प्रकार के इसमें लक्षण पाए जाते हैं। अगर हम चौथे की बात करें तो प्लेटीपस देखो कनेक्टिव लिंक होती है, ये कनेक्टिव लिंक होती है किसकी, आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा। तो अगर प्लेटीपस के बारे में आ जाएगा तो आप बताएंगे कि ये जो कैरेक्टर होते हैं, ठीक, ये आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा दोनों के बीच के कैरेक्टर होते हैं, यानी कि इसमें आर्थ्रोपोडा के भी कैरेक्टर पाए जाएंगे और एनिलिडा के भी कैरेक्टर पाए जाएंगे। देखिए, आर्थ्रोपोडा के क्या कैरेक्टर होते हैं, देखिए आर्थ्रोपोडा के इसमें ये कैरेक्टर होते हैं कि इनमें थ्री पेयर ऑफ क्या होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं, अपेंडेजेस पाए जाएंगे, एंटीनाई पाई जाती है। एनिलिडा की अगर हम बात करें तो एनिलिडा में इसमें क्या होता है कि इनकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है, और इसमें क्या कहते हैं, ट्यूबरकल्स पाए जाते हैं। उत्सर्जन के लिए बेसिकली इसमें बेसिक नेफ्रिडिया पाई जाती हैं। तो ये कुछ करेक्टर होते हैं, ठीक, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, पेरीपेटस होता है, ठीक है, पेरीपेटस। तो थोड़ा सा ठीक कनेक्टिव लिंक में आगे प्लेटिपस भी है तो मुझे वो याद आ गया। तो दिस इज द पेरीपेटस, और इसमें क्या होता है कि दोनों ही कैरेक्टर होते हैं, मतलब क्या कैसे लिखेंगे इसमें लैंग्वेज, ये आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा के मध्य की संयोजक कड़ी होती है, अर्थात इसमें कुछ कैरेक्टर आर्थ्रोपोडा के और कुछ कैरेक्टर एनिलिडा के पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा में थ्री पेयर ऑफ अपेंडेज और एंटीनाई पाए जाते हैं, साथ ही एनिलिडा में कुछ कैरेक्टर सेगमेंटेड बॉडी होती है और डेफ्रिडिया सर्जन के लिए पाया जाता है, इसलिए ये कनेक्टिव लिंक होती है। आगे की बात करते हैं,
अगर हम आगे की बात करें तो एक और आता है, डेट इज द आर्कियोपिटेरिस। देखो जो आर्कियोपिटेरिस होता है, दिस इज द कनेक्टिव लिंक। ठीक, ये जो कनेक्टिव लिंक होती है ये बेटा रेप्टाइल्स और एप्स के बीच की कनेक्टिव लिंक होती है। तो आर्कियोपिटेरिस जो होती है वो रेप्टाइल्स और एप्स के बीच की संयोजक कड़ी होती है, और इसमें रेप्टाइल्स के साथ साथ एप्स के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं। ठीक, लगभग 15,000 करोड़ वर्ष पहले जोरैसिक रॉक्स में इसके क्या मिले थे, जीवाश्म मिले थे। ठीक, फॉसिल्स इसके मिले थे। ठीक, तो ये इसकी कुछ एविडेंस है। ठीक, और इसमें क्या था, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर थे, देखिए अगर हम बात करें, देखिए रेप्टाइल्स और एप्स के बीच की संयोजक कड़ी, तो इसमें कैरेक्टर भी रेप्टाइल्स की भांति इसमें क्या थे, टीथ थे। ठीक, इसमें टेल पाई जाती थी। ठीक, और इसमें क्या था, एप्स की भांति इसमें क्या था कि इनके जो फोर लिंब थे वो क्या थे, विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते थे। तो ये कुछ कैरेक्टर थे जो रेप्टाइल्स और एप्स के मध्य मतलब इसमें पाए जाते थे, डेट इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड एप्स। ठीक, उसके आगे की बात करें तो इसमें देखिए एक और कनेक्टिव लिंक आती है। तो ठीक है, ये जो फोर लिम्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, दे आर एडॉप्टेबल फॉर फ्लाइंग। ठीक, और क्या होते हैं, एडॉप्टेबल होते हैं किसके लिए, फ्लाइंग के लिए। तो ये कुछ कैरेक्टर होते हैं, और आर्कियोपिटेरिस के बारे में कभी कभी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में, कि किसके किसके बीच कनेक्टिव लिंक होती है। तो आप बता सकते हैं कि रेप्टाइल और एप्स के बीच में होती है। कभी कभी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछने होते हैं तो आपसे जीवाश्म के बारे में पूछ सकते हैं, 15,000 वर्ष पहले जुरासिक रॉक्स में मिले थे। ठीक, आगे की बात करें, आगे के जो कनेक्टिव लिंक है वो है बेसिकली वो है प्रोटोथीरिया। ठीक, प्रोटोथीरिया, ये जो प्रोटोथीरिया है बेसिकली ये प्रोटोथीरिया कनेक्टिव लिंक होती है मैमल्स और अगर हम बात करें आराम से, ठीक, रेप्टाइल्स के बीच की संयोजक कड़ी होती है। अर्थात इसमें क्या कुछ कैरेक्टर जो होते हैं वो एक उसके पाए जाते हैं, और कुछ कैरेक्टर होते हैं वो रेप्टाइल्स के पाए जाते हैं। ठीक, अगर हम आगे की बात करें तो इस कैरेक्टर में देखिए क्या होता है। ठीक, मैमल्स के कैरेक्टर में देखिए क्या क्या कैरेक्टर आते हैं। एक तो इसमें क्या होता है, मिल्क ग्लैंड होती है। ठीक, हेयर्स पाए जाते हैं। ठीक, मिल्क ग्लैंड होगी और हेयर्स पाए जाएंगे। अगर हम रेप्टाइल्स के कैरेक्टर की बात करें तो रेप्टाइल्स में क्या होता है कि इसमें क्लोइकल अपार्चर होता है। ठीक, अवस्कर मार्ग होता है। ठीक, साथ ही साथ इसमें एक और कैरेक्टर होता है, और वो कैरेक्टर होता है कि इसमें एग, ये जो एग होता है उसके चारों तरफ शेल एक कवच पाया जाता है। तो दिस इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन दिस एंड दिस, और इस तरीके से कुछ इसका ओवरव्यू होता है। ठीक, आई होप आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।